शुभ दीपावली आप सबको। मुझे पता है आप सब मना चुके होंगे और मेरा ये ब्लॉग थोड़ा लेट से आ रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ दिवाली से पहले और दिवाली के बाद की लुक कैसे है जहाँ मैं रहती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, बहुत अच्छे से डेकोरेट हुए थे चारों ओर, लाइट्स बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्रैकर्स फूट रहे थे। अगर आप भी अपने घर से दूर दिवाली मना रहे हैं तो आप मेरी बात अच्छे से समझ सकते हैं कि दिवाली दिवाली की तरह नहीं लगती। सिर्फ दिवाली नहीं, कोई भी फेस्टिवल फेस्टिवल की तरह नहीं लगती है, बहुत ही खाली खाली सा लगता है। ना आपके पास आपकी फैमिली होती है, ना वो स्वादिष्ट घर का खाना और ढेर सारी मिठाई, सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है घर से दूर रहो तो। वो फेस्टिवल फेस्टिवल ही क्या है जिसमें अपने साथ में ना हो, पर कुछ अपने दोस्त अपने साथ हो ना तो उतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, बोरिंग नहीं होता। दिवाली तो हमने भी उतनी बोरिंग दिवाली नहीं मनाई, आगे देखते हैं हमने क्या क्या किया। तो हम टेरेस पे गए, देखे कौन कितने पटाखे फोड़ रहे थे, कितना सुंदर दिख रहा था, और हमने अपनी रंगोली बनाई अपनी बोर्डम दूर करने के लिए। कलर्स तो उतने मिले नहीं तो लाल साड़ी को पिंक करनी पड़ी और बॉर्डर भी ब्लू। कलर्स ढूंढने में निकली जितने मिले, अब ये देखिए पर्पल हेयर करना पड़ा, क्या ही कर सकते हैं। पर जितना भी हुआ बहुत क्यूट सी रंगोली बनाई हमने महालक्ष्मी जी की। नीचे लोटस बनाने के लिए हमारे पास कलर्स ही ख़त्म हो गए थे। इंस्टामार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट सब कुछ ट्राई किया, कहीं से भी कलर्स नहीं मिले, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। बट कोई बात नहीं, हमने बहुत क्यूट सी महालक्ष्मी बनाई, सबको बहुत ही पसंद आया, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए। और ऊपर जाके देखे टेरेस पे कितना नॉइज़ और एयर पोल्यूशन हो रहा है। हम इस सब के बिना भी तो दिवाली मना सकते हैं ना, आप कैसे मनाएं कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर हम आज लंच करने गए पूरीज़ रिबायत में, ये तो अच्छा ही था लंच के लिए, इंडियन फूड खाना था हमें तो उसके लिए प्लेस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हमने बहुत सारे खाने ट्राई किए, मशरूम ट्राई किया, उसके बाद हमने मेन कोर्स लिया, ये अच्छे अच्छे मॉकटेल्स ट्राई किए, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री रसगुल्ला मिला, उसके बाद शिवाती और मैं वहाँ से वापस आ गए। तो देखिए शाम को ये कुछ अलग से सेलिब्रेशन चल रहे थे, जहाँ की हॉल्स और बुफेलोस फाइट चल रहा था या क्या कुछ समझ में नहीं आया, शायद यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, समझने में टाइम लगेगा। अगर आपको पता है ये क्या है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, सब अच्छे से तैयार होके थे और ये कुछ तो चल रहा था, देख के बहुत ही मज़ा आया, कुछ अलग ही था जो कि हमने पहले नहीं देखा था। आपने दिवाली कैसे मनाई, आपकी तरफ क्या क्या होता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।